तो अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। तो देखिए क्या हुआ, पहले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि कई सारे फिलोसफर्स थे जिन्होंने कई सारी फिलोसफीज की थी कि जो एटम है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेकिन अब क्या हुआ, कई सारे साइंटिस्ट निकल कर आए जिन्होंने इन सारे चीजों को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करना चालू किया, और उसके बाद से इन लोगों ने कुछ रूल्स दिए, कुछ लॉज दिए, और उन्हीं में से दो लॉज निकल कर आए, सबसे इम्पोर्टेंट लॉज निकल कर आए, और जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के पार्ट थे। ठीक है, यानी किसी भी किस तरह कोई भी केमिकल कंबाइन होता है, और वो सारे ही केमिकल्स कुछ दो लॉज को फॉलो कर रहे थे, और वही दो लॉज एक इम्पोर्टेंट लॉज आगे चलकर भी बने। ये 18th सेंचुरी के आते आते दो लॉज निकल कर चले आए। ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था एंटोइन लेवोजियर ने। ठीक है, इन सारे साइंटिस्ट ने कई सारे एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद इन सारे लॉज को दिया था। ठीक है, एंटोइन लेवोजियर, इस लॉ को किसने दिया था, एंटोइन लेवोजियर ने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि किसी भी मास का कंजर्व होना, तो हम समझेंगे इन चीजों को। ठीक है, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन यानी कोई भी एटम एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में ही क्या होता है, जुड़ता है। जैसे कि अगर H2O है तो हाइड्रोजन का दो एटम ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 एटम हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का एटम मिलके भाई पानी बना दिया कितना भी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में जुड़ती है। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। देखिए लॉ ऑफ, अब हम कंजर्वेशन ऑफ मास को अब डिटेल ही समझते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना ये है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना तो हम मास को बना सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को कैसे समझे, तो देखिए सबसे पहले अगर आप जैसे कि अब क्या करते हो, आप किसी भी चीज को, दो चीजों को, दो केमिकल्स को अगर आप मिला रहे हो, जैसे आप हम लेट करते हैं कि हमने क्या वाटर में शुगर को ऐड किया। ठीक है, वाटर में क्या किया, शुगर को ऐड किया। ठीक है, हमने क्या किया, 10 ग्राम वाटर में कुछ 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि इधर जाके ये 10 ग्राम शुगर और 5 ग्राम 10 ग्राम वाटर और 5 ग्राम शुगर जाके कुछ 20 ग्राम सोल्यूशन बन रहे, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पर 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम वाटर और 5 ग्राम शुगर जाके 15 ग्राम ही सोल्यूशन बनाएंगे शुगर और वाटर का। ठीक है, 15 ग्राम ही सॉल्यूशन बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये 10 ग्राम शुगर, 10 ग्राम 5 ग्राम शुगर और 10 ग्राम वाटर जाकर कुछ 20 या 25 ग्राम क्या बना दे, सॉल्यूशन बना दे। तो देखिए अगर हम दो केमिकल को जितने अमाउंट में ऐड करेंगे उसके बाद से उनके कंबाइन होने के बाद उतना ही ग्राम उन सॉल्यूशन का मास रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनका मास ना तो बढ़ सकता है और ना ही तो घट सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनका मास घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो अगर हमने वाटर को मिलाया शुगर के साथ तो भी उसका मास कंजर्व रहेगा, और या फिर किसी भी चीज को, किसी भी केमिकल को मिला लो, जैसे कि आपने मिलाया वाटर को सैंड के साथ, वाटर को सैंड के साथ, ठीक है, वाटर को बालू के साथ मिलाया, वाटर कितना लिया आपने, 100 ग्राम ले लिया, और बालू ले लिया आपने कितना, 50 ग्राम ले लिया। तो ऐसा नहीं है आपने पानी और बालू को मिलाया तो ये बाद में आपको तोलने के बाद कितना आ गया भाई, 200 ग्राम नहीं आएगा, 100 ग्राम पानी और 50 ग्राम पानी, 50 ग्राम बालू कितना होगा, 150 ग्राम होगा। ऐसा नहीं है, इनको मिलाने से पहले का वजन और मिलाने के बाद का वजन क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, बराबर का बराबर होगा हमेशा ही, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना यह था कि आपके किसी भी केमिकल के मिलाने से पहले का वजन और केमिकल के मिल जाने के बाद का मास क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा ही बराबर होगा, हर केस में, किसी भी केमिकल के केस में बराबर होगा। तो मुझे लगता है आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना ये है कि मास यहाँ पर हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि किसी भी केमिकल का मास कंजर्व रहेगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो इसे बनाया जा सकता है ना तो इसे क्या किया जा सकता है, ना तो घटाया जा सकता है, ना तो घटेगा भाई और ना तो बढ़ने वाला है। अब समझते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को। कोई भी एटम हमेशा एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में मिलकर ही किसी दूसरे एटम को क्या कहते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को बनाते हैं। तो इस चीज को कैसे समझे, देखिए अगर हम
वाटर का फॉर्मूला देखें, H2O, H2O, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक दो एटम का मास 2 ग्राम और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 ग्राम। तो यानी कि यहाँ पर मास का एक क्या होना चाहिए, रेशियो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ग्राम और 16 ग्राम यानी कि 2/16 से क्या हो रहा है, यहाँ पर कंबाइन हो रहा है 2 ग्राम कितने 16 ग्राम से। इसको अगर सिंपली करें तो 1/8 यानी कि हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में क्या होंगे, कंबाइन होंगे। अगर मैंने 1 ग्राम पानी लिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, तो वहां पर 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी पानी को बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 100 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया और 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया तो 102 ग्राम वाटर बन गया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको अगर वाटर बनाना है 18 ग्राम तो आपको एक, अगर आपको वाटर बनाना है 9 ग्राम 9 ग्राम अगर आपको वाटर बनाना है, ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए और 8 ग्राम ऑक्सीजन होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको 9 ग्राम वाटर बनाना है तो आपको 1 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हमेशा ही कोई भी एटम एक फिक्स कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या होता है, कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं H2O। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए अब एग्जांपल लेते हैं CO2 का, ठीक है। CO2 क्या हो, यहाँ पर कार्बन दो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है CO2 बनाने के कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन का मास कितना होता है, कुछ 12 ग्राम कार्बन का मास होता है, ऑक्सीजन का दो एटम का मास 32 ग्राम, ठीक है, 32 ग्राम। तो यानी कि 12 ग्राम कार्बन बस 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 बनाएगा, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों का रेशियो 12/32 यानी कि यहाँ पर कितना हुआ 6 और ये हुआ 15 और ये 3 और 8, यानी कि ये दोनों 3:8 में हमेशा 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हमेशा कंबाइन होकर 11 ग्राम CO2 बनाएगा, ठीक है। यानी कि 3 ग्राम हमेशा कार्बन की जरूरत पड़ेगी, 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी 11 ग्राम CO2 बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रोपोर्शन में आपने 100 ग्राम कार्बन ले लिया और 2 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया तो 102 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाने के बनाने मिलाने पर ही आपको कितना मिलेगा 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। यानी कि इन दोनों का फिक्स प्रोपोर्शन में होना जरूरी है, तभी आपको 50 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल पाएगा। उस तरीके से ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दिया तो आपको मिल जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही था कि हम किसी भी चीज को कांस्टेंटली प्रोपोर्शन में ही लें तो ही वो चीज बनेगा, वो कांस्टेंटली उसी उन्हीं चीजों से ही कंबाइन होकर उतना ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।